हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कैसे ऑफ एम्बिशन, जो कि फ्रांसिस बेकन ने लिखा है। तो फ्रांसिस बेकन का एम्बिशन जो है ऐसे जनरली बताता है एम्बिशियस पर्सन के बारे में और उनके टाइप्स के बारे में कि किस तरह के ऐसे लोग होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू बेकन उन्होंने बोला है कि एम्बिशन, इन्होंने एक वर्ड यूज़ किया कोलर, एम्बिशन इज़ लाइक अ कोलर, और उसको कंसिडर्ड करते हैं जैसे कि ह्यूमन में चार तरह के फ्लूइड्स होते हैं, उसको उस तरह से वो कंसिडर करते हैं कि कोलर इज़ मीन टू डिटरमाइन इमोशनल डिस्पोजिशन इन ह्यूमन लाइक वाइज, मीन्स अपनी भी जैसी भी परिस्थिति उसके हिसाब से जो उनके इमोशंस होते हैं और जो कैरेक्टर डेवलप होता है या कैरेक्टर में चेंजेस आते हैं। तो उन्होंने बोला बेकन से एम्बिशियस पर्सन जो होता है या तो उनका कैरेक्टर एक तरह का होगा या फिर दूसरी तरह का हो जाएगा, यानी कि अगर उनके हिसाब से चीज़ें चल रही हैं तो उनका कैरेक्टर कुछ और होगा, और अगर वो किसी प्रेशर में काम कर रहे हैं और कुछ उनकी हिसाब से नहीं हो पा रही हैं चीज़ें तो वो अलग हो जाएगा। इफ़ अ पर्सन इज़ एम्बिशियस ही विल बी फिल्ड विद एंथुसियाज्म एंड एनर्जी होगी उनके अंदर, अगर वो एम्बिशियस होंगे, और वो अनस्टॉपेबल होंगे, मतलब उनको रोका नहीं जा सकेगा। लेकिन अगर उनके ऊपर कहीं पर बाउंडेशन लगाई जाए या स्टॉप्ड हो जाएं, वो तब वो डेंजरस हो जाते हैं, तब वहाँ पे उनकी चीज़ें जो होती हैं ख़तरनाक हो जाती हैं, उनकी दूसरी पर्सनालिटी दिखती है। तो ये ऐसे बताता है कि कैसे एक एम्बिशियस पर्सन जो होता है एक तरह से यूज़फुल और डेंजरस हो जाता है, आगे हम उसके पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे। और कैसे बताता है, ये बताता है कि कंस्ट्रक्टिव पार्ट जो है एम्बिशियस पर्सन का वो कैसा होता है और डिस्ट्रक्टिव कैसा होता है, दो तरह की चीज़ें। फिर उन्होंने ये भी बताया कि जैसे कि एक उन्होंने एग्जाम्पल दिया है स्टोरी ऑफ टिबेरियस को भी लेके, तो उनका जो टोन ऑफ राइटिंग था थ्रू आउट द ऐसे एक एडवाइज़र की तरह था, जो कि एक अलार्म कर रहा था लोगों को, ख़ास तौर से प्रिंस को, कि ऐसे लोगों को कैसे एम्प्लॉय करें, किस तरह के लोगों को एम्प्लॉय करें, और एम्बिशियस अगर देख रहे हैं आपके एम्बिशियस कोई पर्सन है तो उसको कैसे कंट्रोल करें, और कहाँ पर ऐसे लोगों को यूज़ करना चाहिए और कहाँ पर नहीं यूज़ करना चाहिए। उन्होंने ऑप्टिमिस्टिक क्वालिटीज़ भी बताएं, अच्छी क्वालिटीज़, ही प्रेजेस द ऑप्टिमिस्टिक क्वालिटीज़, और जैसे कि वो बहुत परफेक्ट होते हैं, एफिशिएंट होते हैं, अपने गोल्स के ऊपर फोकस्ड होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं। और उसी तरह से उन्होंने एक नेगेटिव बात भी बताई कि अगर हम उनको रखेंगे तो उनकी क्या नेगेटिव एस्पेक्ट निकल के आते हैं। तो उनकी थ्योरी जो थी स्टेट करती है कि अगर उनको इंडिपेंडेंटली वर्क करने दिया जाए बिना किसी फैक्टर के, इफेक्टिव कहीं पे उनको रोका ना जाए, तो वो बहुत अच्छा प्रोडक्टिव काम करेंगे, और वहीं पर अगर उनको कहीं पर रोका जाता है तो उनकी दूसरी पर्सनैलिटी यानी कि उनके अंदर का जो एग्रेशन होता है वो निकल के बाहर आता है। तो अगर उनको कहीं पे रोका जाता है तो उसमें भी वो डिसकंटेंट हो जाते हैं और उनके अंदर एक हेट, एक नफरत पैदा हो जाती है आसपास के लोगों के लिए, और फिर वो अपनी डेवलपमेंट के भी अगेंस्ट हो जाते हैं, उनकी नेगेटिव चीज़ें डेवलप हो जाती हैं। तो एक तरह का क्वेश्चन भी आता है कि मतलब बेकन क्या बताना चाह रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्बिशियस लोगों के बारे में, क्योंकि हर पर्सन का जो कैरेक्टर होता है वो उस तरह से बिलोंग करता है जिसमें, जिस तरह से वो पला बड़ा होता है या उसने जो चीज़ें एक्सपीरियंस की होती, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि एक पर्सन के कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस करती हैं, उस तरह से वो कैरेक्टर डेवलप होता है। तो इसमें बोला गया दैट वी कैन नॉट जनरलाइज वुमेन एंड मैन अंडर सिंगल क्वालिटी, मतलब एक एम्बिशियस के तौर पे ही हम उनको खाली जनरलाइज नहीं कर सकते, और भी चीज़ें होती हैं उसको देखने के लिए। तो ये ऐसे बताता है कि हाउ, मतलब ये सजेस्ट करता है कि कैसे एम्बिशियस लोगों को कहाँ एम्प्लॉय करना चाहिए और कहाँ पर एम्प्लॉय करना चाहिए। जैसे देखिए, गॉड कमांडर्स इन द वॉर मस्ट बी टेकन बट दे नेवर सो एम्बिशियस फॉर द यूज ऑफ देयर सर्विस डिस्पेंट विद द रेस्ट एंड टू टेक सोल्जर विदाउट एम्बिशियस इज टू पुल ऑफिसर्स पर। सो बेकन बताते हैं कि जो कमांडर हैं वो एक तरह से कमांडर की पोजिशन पर एम्बिशियस लोग यूज़ किए जा सकते हैं, क्योंकि वो लेस डेंजरस होंगे वहाँ पर, और इनके अंदर एक एग्जैक्ट पोटेंशियल होगा एक, क्योंकि वो एम्बिशियस होंगे। फिर उन्होंने कंपेयर किया कि ब्लाइंड फोल्डेड डव से भी कंपेयर किया, और उन्होंने एम्फसाइज किया कि इंटेलेक्चुअल जो लोग होते हैं वो हायर पोजीशन बहुत ट्रस्टवर्दी नहीं होते हैं, और गवर्नमेंट गवर्नमेंट जो हायर पोजीशन पे होते हैं तो वो जो गवर्नमेंट में काम करते हैं और सजेस्ट करते हैं ऐसे लोगों को कि जो ट्रस्टवर्दी लोग हैं, एम्बिशियस लोग हैं, उनको रखना चाहिए और उस तरह के उनसे काम कराने चाहिए। एंड बेकन कंटिन्यूसली डिस्कसेस ऑन वॉट जॉब सूट एम्बिशन, में कौन से जॉब सूट करेंगे, कौन से नहीं करेंगे, टू बी मोर प्रिसाइज, एंड वेयर शुड बी दे, कहाँ पर उनको अपॉइंट करना चाहिए, कहाँ पर नहीं अपॉइंट करना चाहिए। और बाद में उन्होंने एग्जैजरेट किया कि कॉन्सिक्वेंसेज जो होते हैं एम्बिशियस लोगों के, वो एज एन एम्प्लॉय कैसे होंगे।
तो अब समरी इसमें देखते हैं कि एम्बिशन का नेचर क्या होता है. नेचर जो एम्बिशियस लोग होते हैं तो एक इनहेरेंट डिजायर होती है इन लोगों में, और ये लोग यूथफुल एनर्जी से भरे होते हैं. यानी कि एम्बिशियस इज डिस्क्राइब एज नेचुरल एंड पावरफुल विद इन ह्यूमंस, और ये ऑफन अपियर्स होती है यंग पीपल, क्योंकि उनके अंदर काम करने की या कुछ जिंदगी में अचीव करने की क्षमता होती है. और इसका पॉजिटिव इफेक्ट भी उन्होंने बताया है कि यानी कि ये लोग मोटिवेटेड होते हैं और जिंदगी प्रोग्रेस करना चाहते हैं और चीजें अकम्प्लिश करना चाहते हैं. इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है, गवर्नेंस होता है, गवर्न कर सकते हैं लोगों को. और इसके साथ ही बहुत सी चीजें इन लोगों के अंदर कैटेगराइज होती हैं, मींस अच्छी तरह से ये लोग अचीव कर सकते हैं तमाम चीजों को, अपने गोल्स को. इनके अंदर एक ड्राइव होती है कि जो उनको काम दिया गया है उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है और अच्छी तरह से करना है. गवर्नमेंट में ये लोग बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं, इस चीज़ को उन्होंने बताया फ्रांसिस बेकन ने. और साथ में उन्होंने निगेटिव एस्पेक्ट भी बताया है कि एक तरह से प्रोडक्टिव होते हैं, दूसरी तरफ ये लोग डेंजरस और डिस्ट्रक्टिव भी हो जाते हैं. यानी कि अगर अगर उनके हिसाब से कुछ नहीं हुआ तो डेंजरस आउटकम्स भी निकलता है. तो फिर वो ऐसे लोग अनएथिकली एक्ट करने लगते हैं, मतलब एथिक्स में नहीं होते, दूसरों को नुकसान पहुंचाएंगे या फिर अपने पावर का गलत यूज करेंगे. एक तरह से रेस्टलेसनेस होती है इन लोगों के अंदर, क्योंकि इनके अंदर पीस नहीं होता है, और जो डिजायर होती है काम करने की वो इनको रेस्टलेस बनाती है. एक कॉन्फ्लिक्ट भी होता है इन लोगों के अंदर के और एक पावर का स्ट्रगल भी होता है कि ये लोग एक रूल करना चाहते हैं लोगों के ऊपर, बट वही चीजों को लेके इनके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट भी होता है. बाद में ये लोग एम्बिशन जो होता है वो कैसे करते हैं, बैलेंस ऑफ कंट्रोल होता है. तो इन्होंने बताया कि इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजिंग एम्बिशंस केयरफुली, कैसे बैलेंस करना है और कैसे उसके पॉजिटिव आउटकम निकल सकते हैं, और निगेटिव चीज़ों से बचें, निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस किस हालात में होंगे और कैसे उन चीज़ों से बचना चाहिए. ये खास तौर से उन्होंने रूलर्स को बताया है. और रोल ऑफ गवर्नेंस क्या है कि जिस गवर्नेंस पे वो मतलब हैं, तो ऐसी जो गवर्नेंस है वो इट इन्वॉल्व रिकग्नाइजिंग एंड हार्नेसिंग एम्बिशियस पीपल. वो ध्यान देगी कि ऐसे लोगों पे ताकि वो हार्मफुल ना हो और अच्छी तरह से वो काम करें. तो वाइज रूलर्स और लीडर्स जो होते हैं ऐसे लोगों को, एम्बिशियस लोगों या एम्बिशन को, टू देयर एडवांटेज बाय डायरेक्टिंग टूवर्ड्स प्रोडक्टिव एंड, मतलब अच्छी तरह से प्रोडक्टिव चीज़ों की तरफ वो लोग ध्यान करके ले जाएं ऐसे लोगों को, और तब वो अपना प्रोडक्टिव काम करेंगे. तो इन्होंने रेफरेंस दिया है एम्बिशियस लोगों का, इलस्ट्रेटिव पॉइंट टू शोइंग हाउ एम्बिशन शेप देयर एक्शन एंड लेगेसीज. उन्होंने एग्जांपल्स भी दिए हैं, नेचर एनालॉगीज भी बोला है, तो कि नेचर के फॉर्म में कैसे भी मतलब वो लोग किस तरह से अच्छा तरह से काम कर सकते हैं. तो एक तरह से उन्होंने इस ऐसे में बताया है कि दोनों सिचुएशंस में लोग किस तरह से काम कर सकते हैं और इम्पैक्ट उनके एम्बिशियस होने का क्या पड़ेगा. तो इस तरह से इट प्रोवाइड्स अ न्यूज व्यू ऑफ एम्बिशन, और उसका पोटेंशियल को एक्नॉलेज करना और उसको प्रोग्रेस और सक्सेस की तरफ कैसे ले जाना, यही बताया है फ्रांसिस बेकन ने अपने ऐसे में. और वाइल्ड ऑल्सो, और साथ ही साथ उसके खतरनाक जो चीज़ें, डेंजरस चीज़ें जो उसमें पनपेंगी वो भी उन्होंने बताया है. एंड लास्टली ही एडवोकेट्स फॉर अ बैलेंस्ड अप्रोच वेयर एम्बिशन इज रिकग्नाइज एंड मैनेज टू हार्नेस इट्स पॉजिटिव एस्पेक्ट्स वाइल मिटिगेटिंग इट्स पोटेंशियल फॉर हार्म, यानी कि हार्मफुल ना हो और इसको पॉजिटिव वे में लेके प्रोडक्टिविटी सोसाइटी की तरफ या फिर अपने काम की तरफ हो. वो उन्होंने बताया कि उसको कैसे जो है यूज करें, अच्छे सेंस में यूज करें. सो आई होप आपको पूरी ओवरऑल समझ में आ गई होगी इसकी चीजें. सो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू.